दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बमरान टीवी। दोस्तों अभी अपने गांव से आ रहा हूँ, सोनीपत के पास मेरा गांव है, बालगढ़ के पास में। ये अभी 1-2 किलोमीटर में बस आया हूँ। तो अभी घर की तरफ चलते हैं दिल्ली। पहले बैग वैग में सेट कर लेता हूँ। मैंने सोचा है दोस्तों नाइट का राइडिंग व्लॉग बना लूँ, क्योंकि नया रोड बन गया है, नेशनल हाईवे 1 जो आपका सिंगू बॉर्डर के आगे जाता है मुरथल की तरफ, ये हाईवे नया बन गया है। मैंने सोचा एक व्लॉग जो बना लिया जाए। पहले पूरा रोड खराब है, अरे अब हमें 40-50 दिन में भी नहीं चला सकते। अभी तो ये आज देखने में दोस्तों ये सब बंद हो गए थे, गोवर्धन घाट वगैरह, क्योंकि वो एक किसानों के नाम पे अगर उसको आज बैठ गए थे, रोड पूरा टूट गया है, उसको बन नहीं पाएगा। अब ये दोस्तों सीधा बीच बीच में फ्लाईओवर बना दिया, जो भी नीचे से कट है उसको पास करने के लिए, तो आप इजीली जो दोस्तों आज आप गिटी करना बाईपास से दिल्ली की तरफ आ सकते हो। अभी जाने वाला रास्ता दिल्ली से जो आगे आप हरियाणा की तरफ जाओगे, जो सोनीपत पानीपत वाला, वो तो ये बहालगढ़ तक जो है दोस्तों, वो अभी थोड़ा सा नहीं बना, क्योंकि पैसेज अभी चीज़ें खराब है, वो ही बन जाएगा थोड़ी दिन में। काम तो अच्छा चल रहा है उसका, जो नितिन गडकरी है दोस्तों अपने, वो अच्छा काम कर रहे हैं। जयपुर दिल्ली अलीगढ़ AMC एक्सप्रेस वे महिंद्रा, अब दोस्तों नीचे टाइल जो वो वाले आसमान जुड़ती हैं, मैं आपका हाईवे अच्छा बना दिया। घर कहीं हाईवे पे ऐसे हाई क्वालिटी सीमेंटेड रोड बन रही, करना होते कर तो बीच बीच में। अभी तो दोस्तों ये रोड बन रहा है, तो ये भी पूरा नहीं बना, अभी ये बन जाएगा, बट एक साल तो दोस्तों ये चक्कर में खराब हो गया आंदोलन के चक्कर में, तो वैसे ही काम रुक गया। कभी भी ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए आंदोलन की जहाँ पब्लिक को परेशानी हो। एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट भी तो पब्लिक की है, उन्हीं के टैक्स के पैसे से काम चल रहा है। दो तो ऊपर फ्लाईओवर बन जाएगा डायरेक्ट, फिर जब जो मट्टी से ऊंचा कर रहे हैं। ढाबा बॉलीवुड, वैसे दोस्तों यहाँ खाना अच्छा बनता है, लेकिन क्योंकि मेरी आजकल तबीयत कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं बाहर का खाना बंद ही कर दिया 2-3 महीने तक। और दोस्तों बाइक राइड करते हैं, खासकर जब कोई ट्रक या बड़ी चीज आ गई हो, ध्यान बिल्कुल रोड पे रखना चाहिए, क्योंकि भरोसा नहीं था कब वो एकदम ब्रेक कर मार दे, फिर हमें इमरजेंसी ब्रेक मारते हो बाइक स्पीड हो सकती है।
रोड ही दोस्तों अंडर कंस्ट्रक्शन है। पास रखने में तो दिख जाता है, कुछ दिख जाता है।
के खाली बरामद में जाम बहुत तगड़ा लग गया दोस्तों। पेट्रोल टैंक में पूरी बाइक आ जाएगी, इतना बड़ा पेट्रोल टैंक है।